हाय, मैं आदित्य सांगवान हूँ। लोहारू फोर डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसका डायरेक्टर हूँ मैं और प्रोड्यूसर भी हूँ। वो चमक है लोहारू के इस किले की, जो अपने आप में ही एक इतिहास है। उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। टूटे हुए पत्थर, कालिख पुती दीवारें और खंडहर नुमा ये किला कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए। ये जो फिल्म है ये 18 मिनट्स की है और इसको हम स्टूडेंट्स ने बनाया था, जो कि नोएडा के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। ये एक आइडिया था जिसको मैंने शेयर किया मेरे साथी फेलो स्टूडेंट्स के साथ में, दोस्तों के साथ में। तो उन्होंने सबने एग्री किया कि ठीक है, इस फोर्ट पे काम होना चाहिए। एंड वी जस्ट पैक और बैग एंड केम टू लोहारू एंड वी शूट दिस थिंग फॉर 3 and 4 days एंड वेंट बैक टू दिल्ली। और उसके बाद में हमने काफ़ी इस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक्चुअली क्या है कि लोहारू की रिटन हिस्ट्री बहुत कम थी, बहुत कम किताबें हमें मिली। काफ़ी लोगों से हमको इसमें मिलना पड़ा और फिर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ जो मेन मोटो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का था वो ये था कि इस फोर्ट को, जो इसकी डिलेपिडेटेड कंडीशन है, उसको दूर किया जाए और इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए और गवर्नमेंट को इसके बारे में अवेयर किया जाए कि ये ऐसे ऐसे फोर्ट है और इसको गवर्नमेंट प्रिजर्व करे। और साथ ही साथ में लोहारू फोर्ट जो है वो राजस्थान और हरियाणा की एज पे है और इसी कारण से फिल्म सिटी जो है मंडावा राजस्थान की, जो कि वहाँ से 70 किलोमीटर है, और पिलानी जो है वो वहाँ से 12 किलोमीटर है। ये दोनों के दोनों एरियाज काफ़ी टूरिस्ट ट्रैफिक रहता है इनमें और काफ़ी ट्रेवल भी करते हैं लोग, वहाँ जाते भी हैं और देखते भी हैं। इसी दरमियान अगर हम लोहारू किले को या सरकार लोहारू किले के ऊपर ध्यान दे, इसको प्रिजर्व करे, तो यहाँ भी टूरिस्ट ट्रैफिक हो सकता है क्योंकि दिल्ली और शेखावाटी के बीच में है लोहारू। और साथ ही साथ में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को करीबन 9 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया भी गया है, सिलेक्ट भी हुई है, अक्रॉस द बॉर्डर से इसको दिखाया गया है। इटली में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई, साथ ही साथ में अपने देश में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई, जैसे कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कोल्हापुर में, ग्वालियर में और साथ ही साथ में जयपुर में। इसी के साथ ही, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ ही एम्बेसडर ऑफ यूक्रेन है डॉक्टर इगोर पोलिखा, उन्होंने भी इसमें बाइट दी है, उन्होंने भी इस फोर्ट को प्रिजर्व करने का बोला है और इसको बचाने का बोला है। और मुख्यमंत्री साहब जो हैं हरियाणा के, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई 3 या 4 दफ़ा इस डॉक्यूमेंट्री और फोर्ट के लिए। उन्होंने भी बोला कि लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो यही हमारा मसला था कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो पूरा की पूरी इस फोर्ट के ऊपर बेस्ड है और 18 मिनट की है, वो यूट्यूब पे भी है, आप उसे देख सकते हैं। और पूरी की पूरी फिल्म जो है उसका मैसेज यही है कि इस किले को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और साथ ही साथ में यहाँ कोई लाइब्रेरी भी बना सकते हैं या कोई आर्ट फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल, ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट प्लान कर सकती है।